ये हमने एक बार बना रहे हैं, दूसरा बना दिया, फिर तीसरा, यो जियो इतना आ रहे को नहीं बोलिया भाई 5 किले शरीर मारा, मैं मेरे तो 5 किले सह मैं शर्त मिला दूंगा तो फिर मेरा क्या हाल होगा। अरे बापड़ा इला बंदरगढ़ आ रहा अन्न खूब मदद करी सही रहा है, जाटा ने नाराज कर जाटा ने को दिया बड़ा बहुत, ये बड़ा बेटा क्यों नाराज होया ये समझते बाहर से बारे में। मोदी ने तो नाराज था लोग और धर्म तो नाराज को मोदी से नाराज था लोग कई बार घने मामा भाड़ा भुखा ले जाग रहे भाई भाईचारो हो जाए भाई मामा तो बापड़ा ठीक का था पर थोड़ा सारा नाराज भी हो जाए कोई कोई। राम राम पंडित जी। राम राम जी, ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया। तो पिछली बार जो आपने भाषण दिया था, जो बात कही थी, वो इतनी ज्यादा वायरल होगी कि जनता आपकी मांग करना नहीं फिरता है। भाई मैंने तो झूठ तो कि मैं कहा नहीं था, मैंने यही कहा था कि कांग्रेस वाले मोदी जी को चोर बता रहे हैं, जबकि अपने गिरेबान में क्यों नहीं जागते मोदी को चोर बताएं। एक संत आदमी को चोर बताना पाप समझता हूं मैं साथी, उसने न्यायप्रिय सारे काम किए हैं, देश को विकास की राह पर ले गया है, और एक सच्चा ईमानदार नेक आदमी उसको कोई चोर बताएगा तो दर्द तो सबको स्वाभाविक है। तो मैं तो ये कहूँगा मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री भाग्यशाली देश को मिलता है, और उसने अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं शायद कोई और आदमी कर पाएगा। नंबर दो, आज चौधरी धर्मवीर जी के आवास पर हम बैठे हैं, मैं धर्मवीर जी को लंबे समय से जानता हूँ, ये मेरे कॉलेज के सीनियर साथी हैं, मैंने इनमें 3-4 विशेषता ऐसी पाई जो किसी राजनीतिक में नहीं मिलती। नंबर एक, चरित्रवान व्यक्ति जिस पे कोई दाग नहीं है, राजनीति में चरित्रवान व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल होता है, मैं इसको बहुत बड़ी भूमिका में लेता हूँ कि एक चरित्रवान व्यक्ति और सहकुशल सबके साथ समान व्यवहार करने वाला व्यक्ति, झूठ नहीं बोलते कभी, भाई काम होगा तो ठीक है नहीं नहीं होगा अगले को धक्के नहीं खुआते। हमने कई राजनीतिक घरों में देखे 6-6 महीने लोग धक्के खाते फिरते हैं। नंबर दो, इन्होंने जो काम किए निष्ठा से किए हैं, देश के प्रति समर्पित है, और प्रधानमंत्री जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऊपर दिल्ली में भी जगह ऐसी मिलनी चाहिए ताकि हम और वो मिल करके इस देश की विकास में और ज़्यादा भागीदारी निभा सकें। मैं तो यही कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, एक वर्कर होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का, कि इतनी डिफिकल्टी के अंदर भी तीसरी बार जिन्होंने जीत का परचम लहराया है, ये बाबा श्याम जी की कृपा और जनता के सहयोग से मोदी जी के भंडारे में योगदान करने के लिए ये दिल्ली पहुंचेंगे, और वो देश के विकास में बहुत बड़ी भागीदारी मोदी जी निभाएंगे। और मैं फिर पुनः अनुरोध करता हूं भारत की प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी से कि इनको भी ऐसा मौका दें ताकि हमारे जैसे इस डिजर्ट एरिया का भी उद्धार हो सके, कहीं की ऐसी सेवा इनको जरूर प्रदान करें। आपके चैनल के माध्यम से पुनः भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए जय श्री राम। जी आप कौन से गांव के सरपंच हो? श्रीनिवास सर। अच्छा, तो आपके गांव की क्या रिपोर्ट थी और क्या रिपोर्ट? बढ़िया थी, हमारे गाँव पिछले चुनाव से 125 वोट बढ़ा के दिए। अच्छा, बढ़ा के दिए, प्रधानमंत्री जी को बढ़ा के दिए। तो फिर जब रिजल्ट आया और जो आपकी प्रत्याशी थे वो जीत के निकले, तो कितनी जनता में आपने खुशी देखी और कितना खुशी? बहुत थी मंत्री जी, बहुत खुशी का माहौल था। जीत की हैट्रिक लगाई है मंत्री? जीत की हैट्रिक लगाई है, सब घरवासियों पूरा मुझे खुशी का माहौल था। तो अब कितने को उम्मीद है कि भाई विकास कार्य कितने बढ़ के होंगे? उम्मीद है इसलिए वोट दिए, ज्यादा ज्यादातर उम्मीद की बात है, खरे उतरेंगे मंत्री जी। अच्छा, कुछ लोग नो भी कहते हैं भाई काला जो है ना सत्ता परिवर्तन करेंगे। सत्ता परिवर्तन करे तो थोड़ी होगा, पब्लिक के हाथ में हो तो जनता वोट देगी, उसी हिसाब से होंगे ना। बहुत भरमार की वोट मिले, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी। राम राम भाई। राम राम। कौन सा गांव अपना? श्रीनिवास भाई। अच्छा, क्या कहना चाहोगे इस जीत के ऊपर? जीत के ऊपर सब सोगा, सारा देश ने बधाई, ये बढ़िया देश के लिए अच्छा काम करें, रोजगार की सुविधा करें, ये चाहिए धर्मवीर के लिए। नमस्कार अंकल जी, ठीक है? नमस्कार, बढ़िया, वो मौज हो रही है, दम मारो सांसद बन गयो। अच्छा मोहित भाई, नन्ना कहते हैं? हाँ, मम्मा। मम्मा कहते हैं? हाँ। तो फिर यो मम्मा ने एक मतलब उड़ा कड़े लुहारू मर बाढ़ थोड़ा घाट देखने मिले मम्मा प्रेम बन दे न मिलो छपूरो। हाँ। पर को नू तत्व का तो मम्मा बन दे नाराजी भी हो जाए के बात है हमको। मम्मा मम्मा कई बार घने मम्मा बन दा भुखा ले जाग रहे मम्मा भाई भाईचारो हो जाए भाई मम्मा तो बापड़ा ठीक का था पर थोड़ा सारा नाराज भी हो जाए कोई कोई। एक पॉइंट और है इसमें कि मम्मा भारती की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई लोगों की मोदी जी से थी, और मोदी जी ने चमत्कार करके दिखाया इस लड़ाई में
धर्मवीर जी को इस बेतरनी से पार करवाया और खुद भी धर्मवीर की मेहनत लग जाएगी। तो फिर मार्जिन थोड़ा सा जीत का इस बार थोड़ा कम रहा, मतलब कि पिछली बार 4.5 लाख तक जीत थी, अब कई बार सिर्फ इसमें कई प्रकार था जी। इसमें किसान भी नाराज था और मोदी ने तो नाराज था लोग और धर्मवीर तो नाराज को धन मोदी से ज़्यादा नाराज था लोग। और ये बबड़ा इला बंदरगढ़ आ रहा अन्न खूब मदद करी से हीरा ने जाटा ने नाराज कराया से जाटा ने कौन दिया बड़ा बहुत ये बड़ा बेटा क्यों नाराज हुआ ये समझते बाहर से बारे में पर ले चार हल्के अंदर लीड देखी भेजा है। हाँ वो देश के हित में तो फिर जो है मंदरगढ़ तो कुकर जीत का दिया मेरी तो नहीं समझ में आई। बस लोग समझदार था। अच्छा। बस देश का हित में वोट देना चाहूं था। अच्छा और यो सारो लंगवाड़ कुट्ठो हो रहे पुपर लोर सारा। अच्छा, यो गठबंधन बना रहा क्योंकि जो गठबंधन सो दो रहे। अच्छा। यो मोदी एक लो बापड़ो हैं लोगन बेरो से भाई मोदी काम कर सके हड़ और को काम करियो कोनी जी। हाँ ये सारा इकट्ठा हो रहा है ये गड्डी में बैठे हैं क्या कर दिया है ना अनु नु को मेरे किसी ने प्रधानमंत्री बनाऊंगा कोई ने मेंबर बनाऊंगा। विपक्ष इकट्ठा हो रहा है सारा बिखर जाएगा एक दो दिन सारे टोए कौन पाओगे कोई कड़ा जाएगा कोई कड़ा जाएगा ये सब बकवासबाजी चल रही है। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी पूरा तौल लगा और लाल किले से फिर बोल लगा तीसरी बार। हाँ तीसरी बार फिर बोल लगा और पूरा तौल लगा और धर्मवीर भी हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार होंगे। धर्मवीर पर गया तो कोई यार एमपी को नहीं शुद्ध आदमी सारो बढ़िया आदमी हैं। हाँ शरीफ आदमी लोगा ने भाई। हाँ तीसरी बार बनाए से कि मैंने विश्वास पर बनाए से। हाँ और हम तो मोदी ने कहा भाई इसने अच्छो पद दे हमारी भी सेवा करे। हाँ कोई अच्छो बढ़िया मंत्री बनाए इसने हैं नु बता था काम चला मोदी ने हम तो सीधी कहा था। राम राम भाई साहब। हाँ राम राम भाई साहब मनोज जी। अच्छा 12 बजे सच्चाई बताइए भाई साहब माहौल था ना कि विपक्ष वाला थोड़ा हाँ हाँ थोड़े से हैवी हुए थे। हाँ। हुए थे थोड़े फिर उसके बाद क्या माहौल रहा उसके बाद अपने अपने घर चले गए बखत बखत ही। हाँ वो जो कैंडिडेट था रावदान सिंह वो बखत चले गया था घर ने बाकी कड़ रहे थे। सरताले आए गए थे लेकिन लगाई किसी ने को नहीं भरोसा उन्होंने खूब रहूंगा आड़े रहूंगा काउंटी पर हमने कर दिया ना डज्जा में बाहर तो बजन दे हैं तेरी सलाह हम का लाम को। हाँ पढ़ी से बताओ सर ये शर्त पर क्या बताओ थे। ऐसा है जी हमारे पास बहुत से लोग की आई। एक मेरा साथी छंडवा कृष्ण पंडित जी नु बोलिया भाई 5 किले शरीर मारा मैं मेरे तो 5 किले सह मैं शर्त पर ला दूंगा तो फिर मेरा क्या हाल होगा। लेकिन तुम शर्त क्यों लाओ थारा क्यों रहा है। बोले धन सिंह जीत रहे है। अरे किता कौन जीत रहा तुम थोड़ा कर्जा डटो। आज उन शर्ता का आधार पर कई लोग आए घर बर्बाद हो गए बहुत लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से इस प्रकार की शर्तें नहीं लगानी चाहिए। लोकतंत्र में लोगों द्वारा होता है एक व्यक्ति की बात नहीं होती इसलिए इन बुराइयों से दूर रहना चाहिए शर्त वर्तों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और बहुत बढ़िया ये रिजल्ट आए हैं। कुछ खामियाँ जो रही हैं जिसके कारण बीजेपी कुछ डाउन गई है तो उसका सुधार किया जाएगा और लोगों की बात सुनी जाएंगी और लोगों के काम किए जाएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का दोबारा से धन्यवाद करते हुए विराम देता हूं। जय श्री राम। मैं जो बोल दिए इसने। अच्छा एक ही बात है मारे की बात। अच्छा हाँ कुछ कहना चाहोगे भाई साहब। बस ये कुछ नहीं कहना चाहते जो भी है तीसरी बार तो अपने धर्मवीर जी जीते हैं जी। उनकी खुशी की बधाई देने के लिए आए हुए हैं सब। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। कंपटीशन टफ था। टफ था अब की बार लास्ट टाइम तक टफ था जो भी है लेकिन लास्ट में जीत अपनी हुई। लास्ट में जीत अपनी हुई जी। अंधबला सब बला। हाँ बल सब बला सब जी। जी पहली बार सांसद बने ने। हाँ। हमने पता कौन था सांसद किस तरह बना जा है। अच्छा। किस तरह बना जा है। अच्छा। हमने 3 बार सांसद बना दिया वो ईब हमने आदत पड़ गई। शुरू में हमारा सपना ये था कि लोग 6-6 बार सांसद बन रहे हैं भारत में। हाँ। महाराणा भी बन सके है ईब हमने एक बार बनाया है दूसरा बना दिया फिर तीसरा यो जियो इतने हारे को नहीं जो ही रहे जियोगा इतने यो जियोगा धर्मवीर इतना हारे को नहीं या हमारे दिल में तसली पक्की होगी है। एक बात सिर्फ रह गई मैं भारतीय जनता पार्टी से एक उम्मीद और एक मेरा छोटी सी भेंट स्वीकार करियो कि कम्बिनेशन होना चाहिए मुख्यमंत्री का और सांसद का। हाँ। ये खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है कि एमपी के कामों को इग्नोर ना किया जाए और उसे भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट मिलके ना पार्टी को मजबूत करेंगे और लोगों के काम करेंगे। यही हमारी आपसे एक उम्मीद है और यही हमारा कहना है। हाँ।
जितने मोदी जी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर और जितने राव इंद्रजीत का आशीर्वाद है और यह लोकसभा क्षेत्र भिवानी मंदिरगढ़ के लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है, आशीर्वाद है। धर्मवीर इतना आ रहा है कोनी कदे भी। चलो बहुत बहुत बधाई आपने एक बार फिर से। और जो है लगातार लड्डू बटन लाग रहे हैं और ढोल लगाने वाले भी पहुंच गए हैं भाई, जो है ढोल बजन ला रहे हैं हरेक शहर में, हरेक हल्कम, हरेक विधानसभा के अंदर। जीत की लहर बढ़ती जान ला रही है, जितनी खुशी जीत का बेरा बढ़ तब थी उससे ज्यादा बढ़ने लग रही भाई, और ज्यादा बढ़ती जागी। जनता की आवाज़ सुनी अपने, जो उनकी धर्मपत्नी है धर्मवीर जी की, उनसे बातचीत करी, भाई मोहित से बात करी, सबके विचार आपके सामने धरे। अपनी जो राय हो कमेंट बॉक्स में दे दिए, वीडियो शेयर कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए। सारे दर्शक चाचे तैयार भाण भाई अपने राम राम जी।